ऐसा क्या खास है इस पानी में, मेरे हाथ में ये पानी है? अब वो हरी उनकी रहमत है। अच्छा है तो चमत्कारिक है, कुछ दिव्य है ये, देखिए दिव्य है ये है? ये उनका नाम लेके लोग मतलब अच्छा, जैसे अगर मुझे पीना है ये तो कैसे मैं पीऊंगा इसे? परेशानी पीते रहते हैं तो परेशानी परेशानी हो तो लाभ करता है, और वैसे तो आते पीते रहते हैं। अच्छा कोई नहा लेते हैं खुजली हो जाती है क्या क्या हो जाता है। लोगों का और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि जो यहाँ पर काफी नल लगे हुए हैं आश्रम में, आश्रम के बाहर भी नल लगे हुए हैं, उन नल से अगर वो पानी पीते हैं या अपना मतलब स्नान ध्यान करते हैं तो उनको शरीर शारीरिक रूप से काफी लाभ होते हैं। अच्छा। कई लोगों ने बताया हमारे शरीर से जो है त्वचा रोगी बीमारियां जो है सही हो गई। अच्छा। त्वचा रोगी बीमारियां भी ठीक हो गई। कई लोगों ने बताया हमारी आंखों की रोशनी पे भी जो फर्क पड़ा उनकी रोशनी भी वापस आ गई है। सूरज पाल और भोले बाबा बहादुर नगर के रहने वाले थे और यहाँ पर बना है उनका भव्य आश्रम। उसी भव्य आश्रम की भोजनशाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग सेवादार यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भोजन बनता है, पुराने पैटर्न पर चूल्हे में ये भोजन बनाते हैं। यहाँ पर पास में रहने की व्यवस्था है, और जो सबसे खास चीज़ है जिसको लेकर आश्रम चर्चा में भी रहता है और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी रहता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो नल का पानी जरूर पीता है। तो वो देखिए वो दिव्य नल यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए ये एक कतार में कई सारे नल लगे हुए हैं, देखिए ये नल लगे हुए, उनमें पानी आता है। एक नहीं, यहाँ पर कई जो नल हैं वो लगे हुए हैं, लगभग एक दर्जन उनकी संख्या है। तो आश्रम में इनकी बहुत गहरी मान्यता भी है, इससे जुड़ी कई सारी मान्यता है। भैया ये 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 भोजनशाला है पूरी जी। तो महाराज जी जब आया करते थे तो यहाँ कहाँ बैठते थे? इसी में तो गद्दी। अच्छा कहाँ गद्दी बनी हुई? गद्दी नहीं, वो है स्टेज है, मतलब जो बना अच्छा, सामने दिखा देखो, ये देखो तो वहाँ प्रवचन करते थे? हाँ पहले करते थे। अच्छा ये जो नल लगे हैं तो नल के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी, यहाँ का पानी बड़ा हेल्दी रहता है, ठंडा है और मतलब कई रोगों को खत्म करने के लोग ले जाते हैं। अच्छा इन सारे नलों से तो ऐसा क्या खास है इस पानी में, मेरे हाथ में ये पानी है? वो हरी उनकी रहमत है। अच्छा चमत्कारिक है, कुछ दिव्य है ये, देखिए दिव्य है ये है? ये उनका नाम लेके लोग अच्छा, मतलब जैसे अगर मुझे पीना है ये तो कैसे मैं पीऊंगा इसे? ऐसे पी लो, नाम लेके पीना होता नाम है, नाम लेके पी लो ऐसे पी लो। और इसका क्या फायदा मिलता है कुछ बता पाए भाई? आपके जो कुछ अगर शरीर में दुख होता है परेशानी होती है लोग फायदा हुआ लाभ हुआ है। अच्छा तो जैसे ये केवल जो रोग हो सकते हैं उन्हीं में फायदा करता है या बाकी कष्ट भी दुख परेशानी में पीते रहते हैं दुख परेशानी दुख परेशानी हो तो लाभ करता है, और वैसे तो आते पीते रहते हैं। अच्छा कोई नहा लेते हैं खुजली हो जाती है क्या क्या हो जाता है? अच्छा तो उन लोगों को फायदा हो जाता है, है। अच्छा उससे असर पड़ता है, मेरे मस्से हैं जैसे ये तो मैं पीऊं मुझे फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा। अच्छा दूसरा और कितनी बार पीना होता है? अरे कोई पीते रहते हैं तो जब मौका जाता। आप अनोखी बात बता रहे हैं, मतलब कि इससे दुख दर्द दूर हो जाएंगे रोग, ऐसा होता नहीं, साइंस ऐसा नहीं मानता। आते क्यों हैं, इसीलिए आते हैं जल के लिए आते हैं, जल लेते हैं सारा जल नहीं का यहाँ से लेके वहाँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे नल लगे हुए हैं। हाँ यहाँ भी है वहाँ भी है। अच्छा बाहर भी आश्रम के कितने हिस्से हैं थोड़ा सा आगे अगर आपके बता दें? आप रहने वाले कहाँ के हैं, कब से सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे? थोड़ी तीन चार चार थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो मुझे बता देंगे सर। ये वहाँ पे बाबा आते थे तो वहाँ बैठा करते थे। अच्छा और ये जो हिस्सा है ये जो सामने हिस्सा है ये आश्रम का, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं, इसमें तो कमेटी जैसे आती हैं। अच्छा कभी जैसे आती हैं कमेटी, मतलब कमेटी जो होती हैं जो प्रोग्राम कराती हैं जैसे। अच्छा आयोजन जो कराती हैं। हाँ तो उनके ठहरने की व्यवस्था वहाँ कराई जाती है। हाँ। और आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो उधर पलंग नंबर जो देखो सामने पेड़ है। अच्छा ये तीन नंबर चार नंबर पाँच नंबर बाहर पेड़ है नीचे। अच्छा दो नंबर चौकी तीन नंबर चौकी एक नंबर चौकी है लगी हुई। अच्छा चौकी बना नाम दिया हुआ है। मैं ड्यूटी रहती है रात की। अच्छा और दिन में भी रहती है। रखवाली का भी काम करना पड़ता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 26 टोटल वैसे 26 परमानेंटी में। अच्छा जो रहते हैं और बाकी जो टीम आती रहती है। हाँ। तीन दिन के लिए एक दिन के लिए। देखिए बड़ा प्रमाइसेस है, कई सारे हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा जिसमें भोजनशाला बना रखी है उस हिस्से को हमने दिखाया, वहाँ पर चमत्कारिक और दिव्य नल लगे हुए हैं, और इन दिव्य नल को पीने से खाना तो ये खाने की व्यवस्था होती है जी। हाँ यहाँ पे जो सेवादार आते हैं इन लोगों के वो खाना बनाते। तो आपने कई सारे लोगों से बात की आश्रम के लोगों से, तो क्या उनका उनका क्या कहना था कि चमत्कारिक नल के बारे में क्या कहना था? चमत्कारिक नल के बारे में यहाँ के लोगों का और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि जो यहाँ पर काफी नल लगे हुए हैं आश्रम में, आश्रम के बाहर भी नल लगे हुए हैं, उन नल से अगर वो पानी पीते हैं या अपना मतलब स्नान ध्यान करते हैं तो उनको शरीर शारीरिक रूप से
शारीरिक रूप से काफी लाभ होते हैं। अच्छा। कई लोगों ने बताया हमारे शरीर से जो है त्वचा रोगी बीमारियां जो है सही हो गई। अच्छा। त्वचा रोगी बीमारियां भी ठीक हो गई। कई लोगों ने बताया हमारी आंखों की रोशनी पे भी जो फर्क पड़ा उनकी रोशनी भी वापस आ गई है। अच्छा जी। अच्छा ऐसी बातें करते हैं तो डॉक्टर्स की जरूरत यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शुरू होता है एक ऐसा अनोखा विज्ञान जिसमें पानी पीने से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं, आदमी रोग मुक्त हो जाता है, मर्ज कोई रहता नहीं है। और ये देखिए ये जो पूरे नल कतार से लगे हैं ना, ये इनकी संख्या इसी वजह से बढ़ाई गई है क्योंकि ये माना जाता है, ये मान्यता है और बाबा का आशीर्वाद इन नलों में मिला हुआ है कि इस नल का पानी पीने से आप एकदम दिव्य हो जाओगे, भव्य हो जाओगे, रंग गोरा हो जाएगा, आंखों की जो शक्ति है वो तेज हो जाएगी, पैरों में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, कैंसर, टीवी, जो तमाम मर्ज होते हैं वो सारे मर्ज दूर हो जाएंगे। बस इस चमत्कारिक पानी को आप पिएंगे तो सारी जो समस्याएं जीवन की वो हल हो जाएंगी। और इसी नल से पानी लेने दूर दराज से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं।